अपने स्टूडेंट्स। बच्चों एक बार फिर आपके सामने, अब तक हम एक्सरसाइज 2.2 में सम नंबर कहां तक कर चुके हैं? बच्चों हम सम फोर्थ, हमने फर्स्ट पार्ट का फोर्थ सम कंप्लीट किया था। अब हम सम नंबर 5 आपके सामने, टी स्क्वायर माइनस 15। जैसे कि हम आपसे एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो इसके लिए पहले से पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। देखिए इसमें फैक्टर के लिए टी स्क्वायर माइनस 15, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है बट ये कंप्लीट नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारी फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें बी एक्स नहीं है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, अपने आप 9 क्लास में पढ़ चुके हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। यहां पर ए स्क्वायर तो है लेकिन बी स्क्वायर नहीं है। अगर मैं इसको ए और इसको बी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेकर चलूं, इसको ए इसको बी, तो यहां पर बी स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसका स्क्वायर रूट करके इसका होल स्क्वायर करते हैं, टी स्क्वायर। तो अभी ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, तो अभी इस फॉर्म में आ चुका है। अब मैं इसे टू टाइम लिखूंगा, टी माइनस रूट 15, टी प्लस रूट 15। ये हमारे इसके फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक बार टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, रूट 15 ये इक्वल से उस तरफ जाएगा तो साइन माइनस से प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, टी इक्वल माइनस रूट 15, इसका साइन इक्वल से उधर प्लस से माइनस। ये हमारे पास अल्फा और ये बीटा, यहां से आप ए बी सी वैल्यू निकाल लीजिए। अब बी तो उसमें है नहीं, ए की वैल्यू 1 रहेगी, बी की वैल्यू 0 और सी माइनस 15। हमारे पास ए बी सी की वैल्यू निकाल दी है, अल्फा भी और बीटा भी। यहां से मैं इसे लिखूंगा अल्फा रूट 15, इसे लिखूंगा बीटा माइनस रूट 15, दोनों वैल्यू इज कंप्लीट। अब पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हमारा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15 इक्वल बी अपॉन ए। बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 1, 0 अपॉन 1, प्लस माइनस कैंसिल, 0 0 अपॉन 1 0। ये फर्स्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट। नेक्स्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15, रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 15, ए की 1, 15 अपॉन 1, रूट 15 की मल्टीप्लाई रूट 15 से, माइनस को बाहर रखिए तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर
ये स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा, 15 अपॉन 1 15, ये भी हो गया इक्वल। तो इस तरह से दोनों वैल्यू हमारी इक्वल आ रही है, वेरिफिकेशन क्या है, इक्वल है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, से बच्चे पॉज करके साथ साथ उतारते रहिए, कोई बात समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, 3x² - x - 4। वैसे ही फैक्टर करने हैं, पहले इसके अंदर तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करेंगे, ए के साथ जो यहां पर जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई इधर सी से करेंगे, उसे अपने माइंड में रखना है, लिखना नहीं है। हम इसके फैक्टर यहां पर 12 मानकर ही करेंगे, 3x² - 4x + 3x - 4। बात समझ गए, 4 में से 3 में 1 बचेगा, 4 3 से 12, ये 2 पेयर कंप्लीट। फर्स्ट पेयर में से x बाहर आएगा, अंदर बचेगा 3x - 4, यहां से +1 बाहर, 3x - 4, 3x - 4 ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ठीक है, इसे भाग ले लेंगे, यहां पर बचा x + 1। अब 3x - 4 = 0, 3x = 4, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x = 4/3, ये फर्स्ट वैल्यू, x + 1 = 0, x = -1। बात समझ आया सभी को, ये अल्फा बीटा की वैल्यू आपके सामने, अल्फा की वैल्यू रहेगी 4/3, बीटा की वैल्यू -1। एबीसी यहां से उठा लीजिए, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4। फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, 4/3 + -1, 4/3 + -1 इक्वल माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू -1 और ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -1, ये -1 है, ये -1, ए की वैल्यू है 3। तो 4 इसकी मल्टीप्लाई यहां 1 से कर देंगे बच्चों, अगर बटे को छोड़ दो इसकी मल्टीप्लाई सीधा वहां कर देंगे, 3 × 3 ± -3, यहां पर ये बाहर माइनस अंदर माइनस, तो साइन प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है, तो 1/3, 4 में से 3 - 1/3 = 1/3, ये सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू पता आपको 4/3 × -1, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 3, तो -4/3। इस 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 प्लस का बस माइनस हो जाएगा, 4 × 4 रहेगा, -4/3 - 4/3। तो ये फर्स्ट पार्ट आपके सामने, ये कंप्लीट,
ये यहाँ पर भी वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, दोनों वैल्यू इक्वल आ गया दोनों ही कंडीशन में। तो बच्चों पहले बच्चों आपके सामने 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और हम सेकंड पार्ट के लिए चलते हैं। सेकंड पार्ट में भी आपके 6 पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन में भी 6 पार्ट है, आप वो करते हैं। उसका मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था, वैसे ये इसके अकॉर्डिंग काफी इजी है। देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, आपको इसे कैसे करना है, सिर्फ ना आपके सामने एक इसके जनरल फॉर्म लिखूंगा, आपको सम जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू उस जनरल फॉर्म में ही लिखनी है। इसकी जनरल फॉर्म क्या है मैं आपके सामने बोले देता हूं, आपको हर क्वेश्चन में उसी को यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये जो जनरल फॉर्म है आपको हर क्वेश्चन में इसी को यूज करना है। जैसे कि अब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया गया है, 1/4 एंड -1, जो फर्स्ट टर्म है इसे आप मान लेंगे सम ऑफ जीरोस, जो सेकंड टर्म है आप इसे मानकर चलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। मैं लिखूंगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1। अब आपको पता है सम ऑफ जीरोस ये रहा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो सम ऑफ जीरोस के प्लेस पर सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के प्लेस पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपको ऐसे ही लिखना है। तो ये वैल्यूज एज इट इज यहां पुट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इट मींस 1/4, ये एक्स मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहेगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1, यहां पर 1। अभी ये 4/ में तो इसे एलसीएम लेकर के आप कर सकते हो, इस 4 की मल्टीप्लाई एक बार यहां पर और एक बार इस 1 के साथ, यहां करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स 1 की मल्टीप्लाई एक्स से तो 1 हो जाएगा, 1 को लिखते ही नहीं है, 4 की मल्टीप्लाई 1 से 9 प्लस 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस नहीं लिखा आपको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने दिखाई है, जिसकी फॉर्म मैंने आपको ये लिख के दिखाई है, ऐसे ही सेम आपको सेकंड पार्ट भी ऐसे करना है। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया है, √2 एंड 1/3। तो पहले बच्चों फर्स्ट पार्ट सम ऑफ जीरोज, सेकंड पार्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, √2 प्रोडक्ट ऑफ जीरो, √1/3 सम ऑफ जीरो, √2 प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3, तो सम ऑफ जीरो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो बच्चों √2, तो हम यहां पर लिख देंगे √2 एक्स मल्टीप्लाई में ऐसे कैसे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा 1/3, ये बाय में है, इसकी मल्टीप्लाई एक बार √2 के साथ एक बार एक्स स्क्वायर के साथ, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3, ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ गया। बात सबको समझाए, इस थ्री की मल्टीप्लाई एक बार यहां पर एक बार यहां पर इवन से हो जाएगा, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई हो चुकी है ना, यहां पर वन बचेगा। सबको समझाया, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट, हम थर्ड पार्ट करेंगे।
क्या है बच्चों, क्या यहां पे जीरो एंड रूट फाइव, तो आपको ये लेवल याद हो गया होगा, फर्स्ट सम ऑफ जीरोज, सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, पिछले लेंगे सम ऑफ जीरोज, जीरो ही इधर का है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रूट फाइव, वैल्यू आपको इसी जनरल फॉर्म में पुट कर दिया है, एक्सपेयर ऐसे कैसे रहेगा माइनस सम ऑफ जीरो, जीरो दिया होगा बच्चों, जीरो मल्टीप्लाई एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा रूट फाइव, तो जीरो की मल्टीप्लाई एक्स के साथ जीरो हो जाएगा, यानी कि इसका जो बी पार्ट है खत्म, तो क्या बचा एक्सपेयर प्लस रूट फाइव, आपको इसे ऐसे लिखना है, इसे जीरो वाले पार्ट को छोड़ देंगे, इसे इस पार्ट को छोड़ देंगे, ओके okay? या फिर रिवार्ड को एनिमल आ गया है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट में हमें दिया है वन वन, इट मींस सम ऑफ जीरोज भी वन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वन, सम ऑफ जीरोज वन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वन, दोनों ही वैल्यू में वन वन गिवन है, इस जनरल फॉर्म का आपको यूज करना है, एक्सपेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा भी वन, तो वन मल्टीप्लाई एक्स इट मीन्स एक्स, एक्सपेयर माइनस एक्स प्लस वन, ये आपका रिक्वायर्ड ऑर्डर, समझा कर बच्चों, आपके दो पार्ट आ रहे हैं, ये करते हैं, ये बात सभी को समझ आई, पहले बच्चों पॉज करके उतारते रहिए साथ साथ, अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है माइनस वन बाय फोर एंड वन बाय फोर, सम ऑफ जीरोज माइनस वन बाय फोर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वन बाय फोर, दोनों ही वैल्यू सेम है, एक माइनस की है एक प्लस की है, जनरल फॉर्म यूज करेंगे एक्सकेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इट मींस सम ऑफ जीरोज माइनस वन बाय फोर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा वन बाय फोर, बाहर माइनस है अंदर माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा वन बाय फोर एक्स प्लस वन बाय फोर, दोनों में बाय में फोर है, आप एलसीएम लेंगे इट मीन्स चार एलसीएम आ जाएगा, उस चार के मल्टीप्लाई आप यहां करेंगे, चार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यह आपका रिक्वायर्ड परिणाम आ जाएगा, बस समझ आई। अब इसका लास्ट पार्ट है जो आपके सामने कर रहा हूं, हमें गिवन है फोर एंड वन, इट मींस फर्स्ट सम ऑफ जीरोज फोर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वन, तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज आ गया हमारा फोर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वन, जनरल फॉर्म यूज करेंगे एक्सकेयर माइनस फोर मल्टीप्लाई एक्स अल्फा प्लस बीटा फोर मल्टीप्लाई एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा वन, एक्सकेयर माइनस फोर एक्स प्लस वन, ये मैंने जो रिक्वायर्ड परिणाम आपका, तो मेरे को समझ आई आपको इसको कैसे करना है, आपको जो भी वैल्यू दी जाए आपको यहाँ इस जनरल फॉर्म में पुट करनी है, आपको जनरल फॉर्म यहाँ पे उतारनी है, आप लेंगे एक्स का आपको ऐसे रहेगा, सम ऑफ जीरोज के प्लेस पर फर्स्ट वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के प्लेस पर सेकंड वैल्यू,
उसके बाद जो भी जनरल मेथड यूज करना है, जैसे यहाँ पर एलसीएम का मेथड हमें यूज करना पड़ेगा, और दोनों के बटे में फोर बच्चे फोर यहां रह जाएगा और एक्स स्क्वायर आ गया ना, यहां से ये खत्म, ये भी कैंसिल हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.2 पर बच्चे यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे अपने सबमिट डिवीजन मेथड का, वो एक्सरसाइज 2.3। देखते रहिए हमारे चैनल एक्मे क्लासेस, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू वेरी मच।